ये जो जो इनिशिएटिव की है भाई, हमने स्टेज पर भी बात की है, कितना करीब है आपके? देखिए, आई एम अ वुमन एंड आई फील वेरी प्राउड टू बी अ वुमन, लेकिन इंटीरियर्स में ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि लोग जानते नहीं हैं कि जो मटर्नल मोर्टैलिटी रेट्स हैं कितनी भयंकर है. लिटरली 46,000 वुमेन डाई बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ एवरी ईयर. लिटरली 200 वुमेन डाई अ डे. तो इट्स लाइक एन एयरप्लेन क्रैशिंग एवरी डे. तो अगर इस बात पे हम गौर करें, मुझे लगता है एक अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है. और ये जो बहुत ही नेक सोच के साथ मान्यता, ये जो मूवमेंट है, आज हम आई थिंक लॉन्च तो थोड़ी देर पहले हुआ है, लेकिन आज आई थिंक हम सेलिब्रिटीज़ के हैसियत से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये मेरे दिल के ख़ास तौर पे ज़्यादा करीब है, बिकॉज़ मैं एक बच्चे की माँ हूँ और मुझे लगता है कि इंडिया में ज़्यादातर बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, माँ को नहीं. तो वाइल द मदर इज़ प्रेग्नेंट, वी हैव टू लेट पीपल ऑल्सो इनकरेज मदर्स टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, ना कि सिर्फ बच्चे का ख्याल रखें. तो ये जो एक्सपीरियंस है मदरहुड का, प्रेगनेंसी का, जो प्रीनेटल केयर होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है माओं के लिए. क्योंकि अगर आप अपने हेल्थ के बारे में ख्याल नहीं रखेंगी तो बच्चा कैसे हेल्दी होगा. और ज़्यादातर आई फील जॉइंट फैमिलीज में, इंटीरियर्स में मैं बात कर रही हूँ, नॉट द मेट्रोज, ग्रास रूट लेवल पे इस बात को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि माँ के हेल्थ, माँ का हेल्थ इतना ही ज़रूरी है जितना बच्चे का हेल्थ. शिल्पा, आज के पैनल में आपको पैनल में रखा गया आपको, वॉइस ऑफ वॉलंटियर, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा यार, जहाँ पे मैं अपनी वॉइस का इस्तेमाल कर सकती हूँ, अपनी स्टेटस का इस्तेमाल कर सकती हूँ, सेलिब्रिटी स्टेटस का. मुझे लगता है हम बहुत सारे चैरिटीज़ के साथ जुड़ते हैं, एक्टर्स स्पेशली. इससे बड़ी चैरिटी क्या हो सकती है? हम कैंसर को लेके बहुत, जैसे स्टेज पे भी बोला गया कि पोलियो को लेकर एक मूवमेंट, एक आंदोलन शुरू किया था अमित जी ने, और आज अगर देखें तो लिटरली देर आर नो पोलियो केसेस, लाइक यू नो द नंबर्स हैव कम डाउन ड्रास्टिकली. तो आई थिंक द मोर्टैलिटी रेट कैन कम डाउन. देर आए दुरुस्त आए. तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े समय में ये भी बिल्कुल ही बंद हो जाए. मदर्स शुड फील हैप्पी एंड नॉट फियरफुल अबाउट चाइल्ड बर्थ. तो बिल्कुल, तो ये इससे बड़ा चैरिटी हो नहीं सकता. तो हेल्थ इज सच एन इम्पॉर्टेंट एंड इनएलियनेबल राइट फॉर एवरी वुमन, एंड आई जस्ट थिंक दैट वुमेन मस्ट बी गिवन दिस एडवांटेज, दिस प्रिविलेज ऑफ हैविंग द बेस्ट प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर. ग्रेट इनिशिएटिव. आई थिंक फॉक्सी हैज डन अ ग्रेट जॉब विद ब्रिंगिंग दिस यू नो इशू इन द फोरफ्रंट. हम हमेशा बात करते हैं कि यू नो द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल rules the world, but how much respect do we really give women? ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं courts में, but I think it's time that we kind of get a little introspective, a little retrospective, and give the importance that women deserve. Ma'am, what do you think about ma'am, this ongoing controversy about Padmavati? Yeah. You know, no, 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 no,